अच्छा, ये जो एम्स बनाने का काम है पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, और अब जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी सारी प्रक्रिया आरंभ होने जा रही है और जल्दी ही इसका शिलान्यास किया जाएगा। स्पीकर साहब, मेरा सिर्फ एक आखिरी है कि यहाँ बहुत सारी हमारी माताएं बहनें वहाँ पर धरने पे बैठी हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे को लगता है कि मंत्री जी ने क्योंकि बहुत दिनों से काम छोड़ रखा था, पूरा पढ़ के नहीं आए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कह सकता हूँ, मैंने भी पढ़ा था, 2015 में अनाउंस किया गया था मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ एम्स बनाएंगे। ये नहीं है यहाँ की भावना की बात है, अखबार ने कहा। चलो मैं चर्चा का विषय नहीं करता, लेकिन मैं इस बात की आपको बधाई दे रहा हूँ, जो डेड लॉक बना हुआ था अपने स्वास्थ्य मंत्री जी का, वो सॉल्व किया। कैसे किया आपने? नहीं, वो कैसे किया अध्यक्ष महोदय, जब मैं वकील था, मेरी बात सुनो, ये प्रश्नकाल का बात सुनो, आपके सदस्य बाद में कहेंगे कि हमें टाइम नहीं मिला। मैं तो इनको बधाई दे रखा हूँ, कैसे किया? नहीं, एक मिनट, मैं वकील था तो एक बादरगढ़ का थानेदार था, उसने एक वकील की बेइज्जती कर दी, वकीलों की हड़ताल हो गई, और मुख्यमंत्री थे उस टाइम या तो चौधरी भजनलाल थे या चौधरी बंसीलाल थे। काफी दिन रही हड़ताल, तो फिर उन्होंने बुलवाया, मैं भी गया उनके साथ। मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई मैं कर दूंगा, इसका समाधान निकाल दूंगा। थोड़े दिन के बाद फिर बुलवाया दिल्ली वकीलों को, उन्होंने कहा भाई ठीक है, तुमने हड़ताल कर रखी थी, थानेदार की मैंने बदली कर दी और डीएसपी बना के प्रमोट करके भेज दिया। तो ये काम क्या इन्होंने कर दिया काम? चलिए, अरे या तो खुद इस्तीफा देते या आप इस्तीफा देते, हो गया काम करवा। इसका मतलब ये हो गया, जिस भी अफसर को प्रमोशन लेनी है मंत्री जी काम छोड़ दें, उसका काम करना छोड़ देंगे और वही हो जाएगा, डेडलॉक हो जाएगा, फिर प्रमोशन हो जाएगी। चलिए, धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि कोहिनूर इंटरनेशनल एकेडमी ततियाना कैथल के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। श्री सोमवीर जी, प्रश्न नंबर 8। अध्यक्ष जी, जो विधायक सोमवीर जी ने दादरी के लिए महाविद्यालय कॉलेज के लिए डिमांड की थी, बहुत लंबे समय के बाद जगह नहीं मिल पाई, और अभी जल्दी कल ही हमें HSPP जमीन मिली है, 8 एकड़ 6 मरले, जल्दी से टेंडर लगा के उसकी रजिस्ट्री करा के हम जल्दी कॉलेज की शुरुआत कर देंगे। मंत्री जी, ये 2 साल से क्लास लग रही है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इसका एक तो टाइम बाउंड कर दें कब तक हम शुरू हो जाएगा, और दूसरी स्टाफ की बड़ी शॉर्टेज है, वो स्टाफ की भी पूर्ति कर दी जाए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। मंत्री जी आश्वासन दे। अध्यक्ष जी, जो विधायक जी ने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत लंबे समय से कई बार हमने DC को लिखा, जगह हमें नहीं मिल पाई थी, 21 में लिखा, 2022 को, 23 को, अब उपयुक्त जगह हमें मिल चुकी है, कल ही HFC से रजिस्ट्री कराकर हम जल्दी टेंडर लगाकर कॉलेज की शुरुआत कर देंगे। नीरज शर्मा जी,